với bao tóc tai cũng được chỉnh. Và tôi biết mấy lời ví dụ rapper là điển hình nên cuộc đời tao không cần những ai là chính hình. Ok, tôi nắm luôn cả là thời gian khi mà tao biết bây giờ âm nhạc của tao là do ông trời quay. Nhưng mà tao vẫn ở đây, tụi tao bắt đầu vào đây, tao là nắm bắt anh em của tao. Bây giờ buổi tối tụi tao suy nghĩ, tao nhắm mắt. अब हम पहुंच चुके हैं दनांग। मुश्किल से एक घंटा डेढ़ घंटा हम 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट आए हैं बाना हिल्स के लिए। अभी बाना हिल्स की टिकट लेके ऊपर जाएंगे। मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे और उसमें यही आ रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी रहता है। नीचे तो धूप बहुत तेज़ निकली हुई है तो एकदम क्लियर है। ऊपर फोटो वीडियोज़ काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। बाकी चलते हैं ऊपर। अब तो हमने अभी केबल कार से एग्जिट लिया है और इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे यूरोपियन सिटी टाइप बना रखा है। तो सागर कैसा लग रहा भाई? यार बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली यहाँ पे इटालियन सिटी का कंसेप्ट बना रखा है इन लोगों ने। और बाकी तो अभी हम पहुँचे ही हैं तो एक्सप्लोर करके बताते हैं थोड़ी देर में। और सारा का सारा हम इसके वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे और दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब पहले ये था कि सिर्फ ऊपर ये ब्रिज ही है बट इन्होंने मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए और भी ऊपर काफ़ी अच्छा एक सिटी टाइप सा बना रखा है। Tu hành giết ta ráng nghe đạo này đúng dữ chỉ là giết anh. फाइनली हम पहुंच चुके हैं दनांग में बाना हिल्स के पास। एक जो मशहूर गोल्डन हैंड ब्रिज है ये, उस पर तो खैर काफ़ी देर से बारिश हो रही थी लेकिन बारिश होने से मौसम काफ़ी खुल गया है। काफ़ी मतलब जहाँ यहाँ जितने भी नज़ारे हैं सारे एकदम साफ दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। इससे पहले हम फैंटेसी क्या था वो फैंटेसी क्लब था, फैंटेसी पार्क था, फैंटेसी वर्ल्ड गए थे। वो भी बहुत अच्छा अम्यूज़मेंट पार्क है। और उसके अलावा हमने फ्रेंच विलेज और बहुत जो इनका यूरोपियन कंस्ट्रक्शन रोज़ गार्डन था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया। मतलब हमने 850 VND की टिकट ली थी। 850 है ना, 850 VND है। 850 VND की टिकट ली थी जो कि अप्रॉक्स हमें कितने की पड़ी भाई? 2500 3000 अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपये की टिकट अप्रोक्सीमेटली 3000 बट टोटली वर्थ इट। और बहुत ही बढ़िया। अभी पैसे बढ़ाए हैं यार तो पुरानी वीडियोस पे ट्रस्ट मत करना। उन्होंने अभी रिसेंटली पैसे बढ़ाए हैं। सो दिस इज द लाइक फाइनल रेट राइट नाउ एंड माय 850 मींस 8,50,000 VND। ओके भाई यहाँ तक फील हो रही है गर्मी। दुआ बहुत निकाल दिया तो गर्मी खाती है घर का आदमी ऊपर बैठता है। अच्छा हवा उधर की है, उधर के सब लोग भीग रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी दनांग की सेकंड विजिटिंग प्लेस पे, जो कि है लेडी बुद्धा पगोडा। तो यहाँ पे लेडी बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है जो कि सी की तरफ फेसिंग है, और लगभग आपको सारी बीच साइड पे वियतनाम में दनांग में आपको पूरी बीच साइड से आपको ये दिख जाएगा। अभी हम लेडी पगोडा टेंपल के अंदर हैं। सो दिस इज लेडी पगोडा, लेडी बुद्धा पगोडा, और इसी के ही लेफ्ट साइड में यहाँ पे बोनसाई ट्रीज का इन्होंने बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा शांत प्लेस है, और अंदर पगोडा के अंदर जाके भी काफ़ी ज़्यादा काम फील हो रहा था। थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे भी। तो हम आ गए हैं आप कोकोनट फॉरेस्ट होयान में, यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये साकेत यहाँ पे चप्पू चलाते हुए और साकेत ने ठोक दी और ये हमने बोट बिठा दी है। बाय बाय।